एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे, मालदा में दो नारी को विवस्त्र करके जो मारा गया है, अत्याचार किया गया है, एक मार्केट में पुलिस खड़े थे, इसका लेकर हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे ऑनरेबल स्पीकर सर के पास। लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर हमको बोले नहीं नहीं, अभी ये नहीं आलोचना किया जा सकता है, ये बाद में हम देखते हैं। क्यों? अभी एनवायरमेंट लेकर आलोचना होगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है? आज 21 जुलाई का मंच से ममता बनर्जी रो रहे, आज कंडेम कर रहे मणिपुर का घटना लेकर। हम लोग भी कंडेम करते हैं महिला होकर, वी कंडेम इट, लेकिन उसका माने नहीं है कि आप मणिपुर की तरफ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे और राज्य में जो घटना हो रहे, मालदा, पाचला, सातगाछिया, रायना, उत्तर दिनाजपुर, आमता, इसको लेकर आप कुछ नहीं बोलेंगे? 12 बरस हो गया है सुजेट जॉर्डन पार्क स्ट्रीट रेप केस, अभी तक उसको विचार नहीं मिला। आज हांसखाली का एक बच्चा 14 साल का, आप ममता बनर्जी बोलते हैं उसका लव अफेयर था, वो रेप नहीं था, लव अफेयर था, उसका पेट में बच्चा है। ममता बनर्जी को शर्म होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होकर, एक महिला मुख्यमंत्री होकर इतना इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री देते हैं। वी आर अशेम्ड ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर। और यही लेकर आज हम लोग आलोचना के लिए अध्यक्ष महोदय को बोले थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय तो शासक दल टीएमसी जो बोलते हैं वो वही करते हैं। मणिपुर लेकर मोशन लाने की तैयारी में है टीएमसी, मणिपुर लेकर मोशन अगर लाया जाता है हम लोग वो मोशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके पहले बंगाल का जो लानी, बंगाल का बांग्लर में जिसका जिसका धर्षण हुआ है, जिसको मारा गया है, जिसको विवस्त्र करके मारा गया है, उनको लेकर आलोचना पहले होगा, उसके बाद मणिपुर होगा। हम लोग दोनों में ही पार्टिसिपेट करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।